मैं हैंडीकैप हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ। सर जी हमें रेट नहीं दे रहे, सर जी 500 रुपये किलो दे रहे हैं हमें। पहले इन्होंने 300 लिया था, 2700 भी लिया था, 3000 भी लिया था, आज हमें ये 500 दे रहे हैं। हैंडीकैप हूँ मेरे, 10-10 किलोमीटर जाते हैं पते तोड़ने। डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर दफ्तर के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम फार्मर्स इस समय जो है वो रेशम को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन काफी ज्यादा बवाल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या मसला यहाँ पर हुआ है। सर क्या परेशानी आ रही है, क्या परेशानी आ रही है अभी? सर परेशानी सुबह से परेशान है। परेशानी ये है कि इन्होंने, इस डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया था, इधर मंडी लगी थी, लेकिन अब इन्होंने मतलब ये पिछली बार उन्होंने रेट दिया था 2600-2700 रुपये किलो, तो इस बार दे रहे हैं 700-800 रुपये किलो। आप बताओ, जो आटा हमें 20 रुपये किलो पिछली बार मिलता था एक साल के बाद, अभी हमें 35 रुपये किलो मिल रहा है, तो हमें इससे ज़्यादा मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए? प्रॉब्लम बस यही है। आप आए हो, हम आपकी माध्यम से इनसे बात हुई, आपके अंदर बहुत ज्यादा हमारी बात भी हुई है। अभी वो मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं यही लेंगे, जो करना कर लो। 2600 रुपये किलो लेते थे रेशम पहले, पिछली बार 2600 रुपये, 2700 रुपये, 2860 लास्ट ए ग्रेड गई थी। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों कम रेट? अभी बोल रहे हैं कि नहीं ठेकेदार नहीं आए हैं हमारे। अगर इनके पास ठेकेदार नहीं थे तो इन्होंने हमें बुलाया क्यों? अगर बुलाया तो हमारा ये बंदोबस्त करें इधर। बिल्कुल। चाचू जी कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल, तो कितने सालों से आप ये रेशम बेचने का काम कर रहे? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आज क्या कह रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है? हम परेशानी ये आ रही है, जो पहले जो रेट मिलता था कम, जो गवर्नमेंट का होता था, फिर ठेकेदार आए, ठेकेदार पाँच 1 रुपये से ऊपर नहीं करे गवर्नमेंट के रेट से ऊपर। फिर उन्होंने जो किया कि पिछले साल 2800 रुपये किलो एक ग्लास खुटी रेशन लिया था, अभी नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं? जो गरीबों को क्या हो रहा है, गरीबों का समझ नहीं आ रहा कि पहले इनसे पिछले साल जो है वो इनका किसानों के मुताबिक 2600 रुपये किलो जो है वो रेशम इनसे खरीदी गई थी, लेकिन इस बार 700 से 800 करीब कैसे हो गई? या महंगाई जो है वो कम हो रही है या बढ़ रही है, इस पर आप भी जो है अपनी राय जरूर साझा करें। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों की मेहनत, जो मेहनत है उनकी, ये रेशम जो है वो जो भी अपने ये बनाते हैं तो उसके बाद उसकी कितनी कीमत में उसे खरीदा जा रहा है, वो काफी ज्यादा हैरानगी है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं हैंडीकैप हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ। सर जी हमें रेट नहीं दे रहे, सर जी 500 रुपये किलो दे रहे हैं हमें। पहले इन्होंने 300 लिया, 2700 भी लिया था, 3000 भी लिया था, आज हमें ये 500 दे रहे हैं। मेरे 10-10 किलोमीटर जाते हैं पते तोड़ने, कैसे तोड़ने हमने? कितनी मेहनत करना पड़ती है इसको? इसका 1 महीना पूरी है, 2 महीने लगती है। आज ये क्या कह रहे हैं आपको? आपको क्या कहना है? इन्होंने 600-700 रुपये दे रहे हैं, पिछले साल 250 बिगा था, 3000 बिगा था, अभी 400-500 रुपया शुरू किया है इन्होंने, बोली कहाँ देंगे? हम देख जाते हैं। सर आप कहाँ से आए? हम गोल्डा से। गोल्डा से? गोल्डा से आए जी सर। वो आपको क्या कहा गया था कि आज आपसे रेशम खरीदा जाएगा? जी सर। लेकिन यहाँ पर आकर अब आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है? सर हमारे साथ ठेकेदार नहीं है, हमारे पास ठेकेदार भी नहीं है। हाँ इन्होंने पहले दिया गया, क्यों इन्होंने बोला लाओ 22 तारीख बिकेगी आपकी खूटी, इधर आओ ठेकेदार हम बुला लेंगे। इधर आज बोला इन्होंने तो ठेकेदार नहीं है हमारे पास, 1-2 ठेकेदार है, इतनी बोली नहीं चलेगी। बाकी सर ये बोले हैं पर हमारे डॉक्टर साहब बीमार हो गए। अच्छा, अगर वो बीमार थे तो फिर इन लोगों को क्या बुलाया आपने? काफी अफसोस होता है कि किस तरह से बुजुर्ग यहाँ पर जो है वो जो भी किसान है, बुजुर्ग किसान की बात करें, हैंडीकैप्डों की बात करें, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन बहुत ही ठगा हुआ महसूस इस समय यहाँ पर कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं मठ से आया हूँ। मठ से आए? हाँ। तो क्या कह रहे हैं अभी, क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर, पिछले साल ये जो यहाँ की हमारी खुपटी थी ये 2860 रुपये बिकी थी एक रेट, इस साल में 1060 रुपये जा रहे हैं एक रेट, और बी वाले सी वाले वो कहाँ जाएंगे? बी सी वाले वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो 200-300 रुपये आ गए ना। आटा जो है वो इतना महंगा हो रहा है और रेशम जो है वो इतना सस्ता हो रहा है।
इस बात का बहुत अफसोस है हमें, क्योंकि ये इतने लोग बेचारे, कितने कितने बूढ़े 80-80 साल के बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, वहाँ से पत्ते उतार के फिर इन कीड़ों को खुलाते हैं, इनको रखते हैं बेड पे या किसी ऊंची जगह पे आपने, और खुद हम और बच्चों को नीचे चलाते हैं ज़मीन पे, और फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी आज यहाँ पहुँच के इनको ये हालत हो रहा है। इसलिए ये लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं, जो रेट पिछले साल दिया था वो दिया जाए या उससे आगे हो, मतलब बढ़ना चाहिए, तो कम हो रहा है। अगर नहीं, इन लोगों की सुनाई नहीं होगी तो रोड पे खड़े होंगे, गाड़ियों को बंद करेंगे, डिपार्टमेंट को भारी पड़ेगा। गवर्नर साहब अगर सुनते हो तो, वैसे तो गरीब लोगों की कहाँ सुनेंगे, लेकिन वो इंसाफ करें कि इन लोगों का हक इनको मिला। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जी? सर, मैं पंचायत गोड़ा से नायब सरपंच वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। हमारे माता पिता मतलब 50 साल से इस काम को कर रहे हैं, हम भी यही सोचते हैं कि हम इस परंपरा को जारी रखें, मगर आज हमारे साथ यहाँ धोखाधड़ी हुई है। जो रेट हमें 2800 रुपये मिल रहा था, आज उसको मिल रहा है 700-800, उससे 1000 से ऊपर नहीं जा रहे, मतलब 3 गुना पीछे आ रहे हैं ये लोग। अगर हर महंगाई इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें पीछे क्यों ला रहे हैं ये लोग? डिपार्टमेंट को अगर इस चीज़ की, मतलब जैसे ये रेशम की अगर डिमांड ही नहीं है आगे, तो क्यों हम लोगों को काम पे लगाया हुआ है? यही पता हम तोड़ के अपने माल मवेशी को चारें, बकरी को चारें, तो इतना पैसा तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा, हमें यहाँ पर गाड़ी लगाई है, इसका चलान हो गया है, वापिस जाना है, इसका भी चलान मतलब ओवरलोडिंग का चलान हो सकता है। इन लोगों ने हमें सुबह से यहाँ बिठा कर रखा हुआ है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कम से कम इतनी सोच नहीं लोगों को आ रही है कि गरीब लोग हैं, हमारे काम को चला रहे हैं, कर्मकशी को आगे बढ़ा रहे हैं, कर्मकशी को बढ़ावा दे रहे हैं कि और बढ़ाओ, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इन गरीब लोगों को रिक्वेस्ट मिले, अपना इंसाफ मिले, और यहाँ पे जो हैंडीकैप हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं, इनकी प्रॉब्लम को हल करें। या हिंदी आवाज डी सी जम्मू से भी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द डायरेक्टरेट ऑफ जो भी सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, इन्हें जल्द से जल्द हिदायतें यहाँ पर दी जाएँ कि वो जो है वो इन किसानों की फरियाद को यहाँ पर सुने, ताकि इस तरह से एक तरफ जम्मू में गर्मी काफ़ी ज़्यादा, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बुजुर्ग जो है वो दूर दराज गांव से उठकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इन्हें यहाँ पर जो है बुलाया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो कीमत में पहले इनसे रेशम जो है वो खरीदा जाता था, वो कीमत जो है वो इन्हें यहाँ पर नहीं दी जा रही है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा गुस्से की लहर इनमें है और ये इंसाफ की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल आप जब तक भी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।